शिक्षक दिवस के दिन एक दिन पहले नहाने गए शिक्षक समेत तीन लोग खारून नदी में बह गए, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची और उनकी तलाश में जुट गई है, जिसके बाद तीन में से एक का शव बरामद किया गया है, बाकी दो अन्य का रेस्क्यू जारी है। बताया जा रहा है कि सभी खारून एनीकट में नहाने गए थे, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया जिससे तीनों बह गए। जो नदी है उसमें तीन लोग का डूबने से मृत्यु होना संबंधित तथ्य आया है। प्रथम द्वितीय इसमें जांच परख तक पाया गया है कि जो बच्चा है वो नदी नहाने के दौरान डूब गया था, जिसको बचाने के लिए उसका दादा नदी में गया था वो भी डूब गया, फिर उसे घर के उसका जो चाचा है वो भी डूब गया है। इसको लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा थाना पुलिस के टीम और अपने एडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार कठिन कार्रवाई की जा रही है, और इसमें एक जो बॉडी है उसको रिकवर करने में सफलता मिली है।